नमस्कार साथियों, ताइवान को बहुत ही बड़ा मिर्ची लगा होगा भारत के यह कदम उठाते हुए देख। अब आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठता होगा कि मैं किसका बात कर रहा हूँ। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैं सारी मुद्दा को समझाता हूँ। साथियों, अफगानिस्तान के लोगों के भलाई के लिए भारत ने क्या नहीं किया, और हमेशा भारत चाहता है कि अफगानिस्तान के जितने भी लोग हैं ना, हमेशा वो अच्छा रहे। यही देख के कभी कभी पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा जलता रहता है, और वो सोचता रहता है कि आखिर भारत अफगानिस्तान को इतना ज्यादा साथ क्यों दे रहा है, इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों कर रहा है। पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा जलन होता है इससे, और पाकिस्तान से भी ज्यादा ताइवान को, इन दो देशों को बहुत ही ज्यादा जलन होता है कि आखिर भारत जो है सो अफगानिस्तान को इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों करता है। जबकि ताइवान और पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को बर्बाद करने में लगा रहता है, और वो चाहता रहता है कि अफगानिस्तान बर्बाद हो जाए। जबकि भारत ये बात जानता है कि अफगानिस्तान को ताइवान और पाकिस्तान देखना नहीं पसंद करता है, इसके बाद भी भारत इस प्रकार सपोर्ट करता है जैसे एक भाई दूसरे भाई को सपोर्ट करता है, और यही सब देख के पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा कलेजा फटता रहता है। साथियों, इस बीच पिछले कुछ साल से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल खराब हो गया है, और बातचीत की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई देती हो। लेकिन TAPI यानी तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे काम आगे बढ़ गया है। चारों देशों को शामिल कर शुरू होने वाले ये प्रोजेक्ट रस्तों में जमे बर्फ को पिघलने की दिशा में अहम साबित हो सकता है। अब आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठा होगा कि आखिर ये तापी क्या है, तापी गैस क्या है। तापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये चारों देश मिलकर इस प्रोजेक्ट पर सालों से काम कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट पे अरबों डॉलर का समझौता हुआ है इन चारों देशों के बीच। ये समझौता पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच हुआ है। समझौते पर पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुर्शिद मलिक और तुर्कमेनिस्तान की तरफ से राज्य मंत्री अध्यक्ष मस्कट बाबा इफ दस्तखत किए। तापी प्रोजेक्ट की 2019 में ही पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता और भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा तनाव बना रहना, इसी कारण इस प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हो पाया। लेकिन साथियों, अब तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया इस प्रोजेक्ट पे काम करना फिर से शुरू कर दिया है। इससे पहले ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान और इंडिया इसमें शामिल हुआ तो इसका नाम तापी हो गया। ये गैस पाइपलाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए तुर्कमेनिस्तान से भारत पहुंचेगी। तुर्कमेनिस्तान की गैस की फील्ड से गैस की सप्लाई होगी, और ये पूरी पाइपलाइन 1814 किलोमीटर लंबी होगी। ये पाइपलाइन भारत के पंजाब के फाजिलका शहर तक पहुंचेगी। पाकिस्तान से भारत इस पाइपलाइन की लंबाई 826 किलोमीटर होगी। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि इस प्रोजेक्ट पे कितना ज्यादा खर्च होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी भूखे और कंगाल है, और अफगानिस्तान की मदद भारत कर रहा है, इसलिए अफगानिस्तान को कोई तरह का प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी इस प्रोजेक्ट पे भारत की अहम भूमिका है। इस पाइपलाइन की अनुमानित लागत 10 अरब डॉलर है। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए गैस के लिए चीन और रूस पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और इसके अलावा इस कंपनी में 5-5% की हिस्सेदारी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की है। अफगान गैस यानी अफगानिस्तान इंटरेस्ट गैस सर्विस पाकिस्तान और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया एड इंडिया आयल भारत में हिस्सेदार है। अगर भारत इसमें अपना पैसा खर्च करता है, उसको कितनी गैस मिलेगी, तो ये समझ लीजिए। दरअसल पाइपलाइन के जरिए हर साल 33 अरब क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई होगा। इसमें से 5 अरब क्यूबिक मीटर गैस अफगानिस्तान को मिलेगा, और पाकिस्तान और भारत को 14-14 अरब क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई होगी। इसलिए भारत के 1.5 अरब से ज्यादा लोगों को इससे फायदा होने की उम्मीद है। और भारत सरकार के मुताबिक फैजल शहर में इस पाइपलाइन के आने से इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है। तो लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्या पाकिस्तान भारत के साथ काम करना पसंद करेगा? पाकिस्तान भारत के इशारे पे नचना चाहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ये चारों देश मिलके अगर इस प्रोजेक्ट पे काम अगर करके इस प्रोजेक्ट को सफल बना लेता है, तो इससे अपने भारत को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा दोस्तों। से इसके बारे में आपका क्या राय है दोस्तों, आप मुझे नीचे अवश्य कॉमेंट करके दीजिएगा। जय हिंद।